सिंध की राजधानी कराची शहर में अफगान सेमिनार हुआ, जिसमें अफगान नामंजूर सियासी और सामाजिक मुकर्रीन का कहना था कि हमें अफगान नामंजूर हैं, ये अपनों के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। मुकर्रीन में महताब राशिदी, अयाज पली जो PSP के, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा ने कहा कि देना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल कुव्वतों को भी इन्वाइट करना पड़ेगा कि आप यहाँ आए, अफगानिस्तान में मदद करें, किसी भी तरीके से कोई भी कोशिश करें डायलॉग की कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो वापस रिवाइवल हो और इंसानी ज़िंदगी वापस आए, एजुकेशन वापस आए, फंडामेंटल राइट्स वापस आए, औरतों के हकूक वापस आए, तो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, हमें वहाँ उनके लिए ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान में उनकी माइग्रेशन कहीं नहीं हो, और जैसे पहले इंसानी ज़िंदगी को हम कदर से देखते हैं उनको वहाँ पर रखा जाए और वहाँ पर सारी कुव्वतों को, इंटरनेशनल कुव्वतों को, पाकिस्तान को, सबको उनकी वहाँ मदद करनी चाहिए, वहाँ पर हुकूमतें स्टेबल हों और वो कंसेंसस से हों, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हों, वो इंसान के हकूक के रिवाइवल से हो। ऐसे नहीं हम किसी को बिलडोज करना चाहते, ना हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए। सिंध की जहां तक बात आती है, सिंध में पहले भी हम देखते हैं कि बेरोजगारी, ना कोई मेडिकल की सहूलत, हमारे रूरल एरियाज में ना किसी एजुकेशन की वो सहूलत है, जो स्कूल्स थे वो बंद हो रहे हैं। तो हमें पहले, हमारी हुकूमतों को ये देखना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और उनको कैसे सिक्योर करें। उसको सिक्योर करने के बाद हम अफगानिस्तान के अवाम को भी मदद करें, हम इंटरनेशनल कुव्वतों पर जो फॉरेन अफेयर्स हैं हमारे जोर दें कि वहाँ पर किसी न किसी तरीके से हुकूमत, अफगानिस्तान हुकूमत को आमादा करें कि आप जो है इंसानी फंडामेंटल राइट हैं वो उनको दिलाएं। एंडिंग नहीं भी हो, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान को अपना दोस्त तसव्वुर नहीं किया, क्योंकि हम उनके दुश्मनों के साथ खड़े थे जो कि अमेरिका था। 20 साल आपने इस तरह से गुजार दिए हैं और अब अचानक जो किसी की भी कोशिशों से, कतर में जो भी मुज़ाकरात हुए हैं उसमें कौन कौन से मुल्क शरीक हुए हैं, हर चीज़ हमारे सामने आया है। पाकिस्तान का उसमें कितना अमल दखल है वो भी हम देखते हैं, हम न इधर हैं न हम उधर हैं। और इन तमाम चीज़ों में जो एक चीज़, जो क्योंकि हमारी वी हैव गॉट अ वेरी यूनिक ज्योग्राफिक सिचुएशन, हमारी जो जुग्राफिया है वो ऐसा है कि न वो इंडिया निगल सकता है, न उगल सकता है, न अफगानिस्तान उसमें से जान छुड़ा सकता है। रशिया से हम पहले ही झगड़ा करके बैठे हैं, बट वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स रशियन स्ट्रैटेजी। China is one country that you are now heavily depending on China, because China is emerging as a very big power in this region, jisko ab contain karne ke liye India ek dusri koi strategy leke aayega. But isme the thing of the concern has been wo hai ke ekdam se hamare prime minister sahab ne ye announce kar diya कि हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं TTP के लिए, कि जिन्होंने भी हथियार फेंके वो लॉन्ड्री से धुलकर आ जाएंगे और हमारे हम उनको माफ़ कर देंगे। दिस इज़ वेरी पेनफुल, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, बिकॉज द होल थिंग हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। उसमें आपकी जितनी भी पार्टियां हैं उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत थी, उनको साथ मिला के चलने की ज़रूरत थी। और ओवर द ईयर्स जितनी खून रेजी, दहशतगर्दी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने की है, उनका हिसाब किताब आखिर देगा कौन? और अगर उनके कह देने से कि हमने हथियार फेंक दिए, हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आई रियली डोंट नो हु इज़ गोइंग टू एक्चुअली बिलीव दिस स्टेटमेंट फ्रॉम देम। तो ये जो पॉसिबल एमनेस्टी की बात हो रही है, ये हमारे अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान बरपा कर रही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं कि इनको, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम एमनेस्टी दें और क्यों दें। ये बहुत बड़ी एक वजह बनेगी। हमने दूसरी चीज़ जो आजकल हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ऑन पॉलिटिकल लेवल
एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज़ मिसिंग और अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल किसी डायलॉग में डिस्कशन में नहीं शामिल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन इश्यूज के लिए जो लोकल नहीं है, उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनली पड़ना है, उसमें भी अगर आप उनको शामिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कल को जो भी कोई चीज़ होगी जो ख़राब भी हो सकती है और इंतहाई ख़राब भी हो सकती है, उनकी ज़िम्मेदार जो आज हुकूमत है विफाक में बैठी हुई सिर्फ वही होगी, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका उसमें कोई अमल दखल नहीं है और देर इज़ नो कंसेंसस व्हाट्सएवर इन एक्चुअली गिविंग द एमनेस्टी टू द तालिबान, तहरीक तालिबान को। उसके अलावा जो इंटरनेशनली जो चीज़ हो रही है जिस पर हमें गौर करना है, मैं यही एक दो पॉइंट्स बोल के चली जाऊंगी क्योंकि द पॉइंट्स आर टू बी पॉन्डर्ड ऑन दीज। जब जो बाइडन ने अभी यूएन में जो तकरीर की है, यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने दो तीन चीज़ें बोली हैं। सपोजडली वो उनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को वो बता रहे थे कि उनकी वो फॉरेन पॉलिसी क्या है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अब वो एक नया दौर शुरू करने जा रहे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है रिलेंटलेस डिप्लोमेसी। ही सेड दिस कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू ईरा ऑफ द रिलेंटलेस डिप्लोमेसी, जिसमें हम बग़ैर किसी शक व शुबे के, बग़ैर किसी उसके, हम एक ऐसी डिप्लोमेसी शुरू करेंगे जिसमें जो पुराने वाली जो एक होती थी कि ये रशियन ब्लॉक है, ये अमेरिकन ब्लॉक है, ये वाली पॉलिसी नहीं होगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट एंड इट इज़ गोइंग टू बी विद द कंसेंसस। बट हैविंग सेड दिस, ही इमीडिएटली हैड साइंड अलायंस विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। एकदम से उन्होंने ये कहने के बाद कि हम पूरे सबसे सारे रीजन के लोगों से, पूरी दुनिया से बात करेंगे, तो एक पहले से जो एक अलायंस बना हुआ था जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूके शामिल थे, उनको उनके होते हुए जो क्वाड्रल अलायंस थी उनको छोड़ के उन्होंने एकदम से एक नया अलायंस बना दिया बेस्ड विद द कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड द रीज़न इज़ टू कंटेन चाइना। अब उनके लिए सबसे बड़ा मसला अफ़गानिस्तान वगैरह नहीं है, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस रीजन में जब चाइना आ रहा है तो उसको किस तरह से रोका जाए, कंटेन किया जाए। और इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कोई 7 बहुत बड़ी सबमरीन्स देने का वादा किया है जिसमें न्यूक्लियर जो होंगे वो चीज़ें होंगी और वो उनको मॉनिटर करेंगी पैसिफिक समंदर को, ताकि अगर कहीं से भी चाइनीज़ कहीं से भी चल रहे हैं तो उनको कंटेन करेंगे। इस पर यूरोप के जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने बहुत सख्त एतराज़ किया, स्पेशली फ्रांस, कि ये क्या चीज़ है कि आप, हम जो हैं यूरोपियन दूसरे मुल्क हैं, आप हमसे पूछ ही नहीं रहे हो, और हाउ कम यू हैव साइन दिस एग्रीमेंट विद देम, दिस इज़ वेरी रीसेंट, वेरी रिसेंटली दे हैव डन दिस। तो इसमें अब आप ये समझ लीजिए कि जो डिप्लोमेसी इस एरिया में होने जा रही है उसमें अमेरिका अपने आप को बिल्कुल भी अलग नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त चाइना एज ए सुपर पावर उभर रहा है पूरी दुनिया में, और उसमें हमारे रीजन में जो मुल्क हैं उसमें जो हमें कंसर्न है वो इंडिया का हमेशा रहा है, और इंडिया को चाइना का कंसर्न रहा है, और इंडिया को हम समझते हैं कि ही इज़ स्पॉयलर इन द गेम, जो जो खेल को ख़राब करने वाला जो एक मुल्क है तमाम हर तरफ से वो हिंदुस्तान है, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि अमेरिका से मिलके कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि इस खित्ते में किसी भी सूरत चाइना का असर रसूख ना बढ़े। ये चीज़ कम अज़ कम बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे ये समझ में आता है कि द इकॉनमी ऑफ यूएस इज़ गॉन डाउन,
द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस हैज गॉन डाउन। और ये जो चीज़ें अब आपके सामने आ रही हैं वो एक सदी के बाद निज़ाम कुदरत है ये, कि जो ऊपर चढ़ी हुई चीज़ होती है उरूज पे उसको नीचे गिरना होता है। तो आज से आप ये मार्क कर लीजिए, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ यूएस डिप्लोमेसी, यूएस सुपर पावर, यूएस एज अ सुपर पावर, द ओनली सुपर पावर, इट इज़ गोइंग डाउन। एंड इन दिस एरिया, इन दिस रीजन, द न्यू फोर्सेज आर कमिंग अप। चाइना इज गोइंग टू मूव स्विफ्टली, शोर नहीं मचाएगा, धमाके नहीं करेगा, किसी को धमकी नहीं देगा, बट इज़ गोइंग टू मूव स्विफ्टली मिलिटरली एज वेल एज इकोनॉमिकली। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, यहाँ पर शेख साहब ने, महबूब शेख साहब ने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिंध जिन कंसर्न का इजहार किया है, वो हम सबको पता है कि हम किन किन तकलीफ़ों से गुजरे हैं, गुजर सकते हैं और किस तरह से हमें बचना है। अब दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग विल, पॉलिटिकल विल एंड डिप्लोमेसी ऑफ पाकिस्तान, जो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है जड़ पकड़ते हुए, कि वो इस तरह से चलें कि आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, आप अपने लोगों को महफूज करें और खित्ते में अपना अमल दखल दिखाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों के हुकूक के लिए काम किया है। एक लाइन है शायद बर्नार्ड शाह की या किसी और राइटर की, कि बेचारा सीज़र, वो भेड़िया हरगिज न बनता अगर हम भेड़े न बनते। तो ये जो आम तासर है अफ़ग़ानिस्तान के बारे में कि बेचारे मज़लूम लोग हैं, जुल्म हो रहा है, ये एक हद तक सही है। आम अफ़ग़ान, आम पश्तून हमारे भाई हैं, उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां, उनकी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां हैं। वो पाकिस्तान में बसने वाले पख्तून तो हमारे जिगर का टुकड़ा हैं, जिस तरह पाकिस्तान की तमाम दूसरे सूबों के लोग हैं, मगर पड़ोसी होने के नाते अफ़ग़ान लोग, पड़ोसी होने के नाते ईरान के लोग, ये तमिल, ये मलयालम, ये तेलुगु, ये श्रीलंकन, ये सिंगालीज, ये बंगालीज, ये अरब, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई और बहन हैं। मगर जैसे मैंने कहा आगाज में कि सीज़र भेड़िया हरगिज न बनता अगर हम भेड़े न बनते, तो अफ़ग़ानिस्तान पर ये मुसीबतें हरगिज़ ना आती अगर अफ़गान अवाम इनको कंडोन न करता, इनको बर्दाश्त न करता, इनको चलने देते रहता, या उस पर आवाज़ न उठाता या आवाज़ उठाता, तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता था। बिल्कुल ऐसे जैसे सिंध में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। सारा कसूर हुक्मरानों का भी है और हम लोगों का भी है। हम लोग जो खामोश हैं, हम लोग जो चुप हैं, हम लोग जो बात करके फिर अपना समझते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया, वी हैव कन्वेड अवर कंसर्न्स, दैट्स सफिशिएंट, दैट्स मोर देन इनफ। तो अफ़ग़ानिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि अफ़गान लोगों का इसमें बड़ा हिस्सा है। 72 तक तो बादशाह थी उनके पास, ज़ाहिर शाह बैठा था 1933 से लेकर 72 तक। इस दौर में 40 साल बादशाह तो, फिर दाऊद आया, वो भी एक सेमी बादशाह थी। और आपके इल्म में जो लोग पढ़ते हैं अफगान हिस्ट्री, उनके इल्म में होगा कि अफगानिस्तान में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो रही नहीं है ना, खानदानों की हुकूमत है। पढ़ते हैं ना गुलाम खानदान, मुगल खानदान, खिलजी खानदान बर्रे सगीर पे। यहां तो फिर दर्जनों खानदान थे सिंध में, कलोड़ो, सुमरो, समो, जाम, उन्नड़, हुकूमतों यूं कई।
वहां फकत तीन खानदान होतक्स, दुरानीस। तो सोवियत इंटरफेरेंस को एक्सप्लाइट भी किया गया, एक तो वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। कोई भी इनकलाब के नाम पर, कोई भी मजदूरों और किसानों और मेहनतकशों के नाम पर दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्क का मामला उस मुल्क के लोगों को देखना चाहिए। हेजेमनी या एम्पेरियलिज्म मगरबी साम्राज्य के नाम पे हो या मेहनतकशों के नाम पे हो, दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मगर पहला जो इनकलाब था वो दूसरों की मुदाखलत से नहीं था, नूर मोहम्मद तरक्की का। फिर जब उसके खिलाफ साजिशें हुई तब वो इंटरफेरेंस हुआ। और फिर क्या हुआ? एट दैट टाइम पैन इस्लामिज्म सर्व्ड देयर पर्पस। पैन इस्लामिज्म उसको जस्टिफाई किया गया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया, दे जस्टिफाइड इट एज फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट सोवियट्स। और फिर देन मदरसा कल्चर वॉज यूज टू रिक्रूट यंग फाइटर्स हु लेटर वोर द मास्क ऑफ तालिबान। तालिबान का मास्क तो बाद में आया ना, उससे पहले तो फ्रीडम फाइटर्स थे जो लड़ रहे थे, आजादी पसंद लोग जिनको स्पॉन्सर किया गया सोवियट्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और फिर व्हेन एंटायर मैस वाज देयर, समवन हैड टू क्लियर अप दैट एंटायर मैस, एंड हु बेटर देन द नेबर्स नेक्स्ट डोर। पड़ोसियों से, करीबी पड़ोसियों से बेहतर कौन हो सकता है? देन वी वर देयर। सो वेव अपॉन वेव ऑफ होमलेस रिफ्यूजीज पोर्ड इन टू आवर कंट्री सीकिंग हेल्प दैट वी कुड इल अफोर्ड। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऑन समवन हैड टू पे द प्राइस फॉर दैट, फॉर दैट कंपैशन। और फिर हमने प्राइस दी, आर कल्चर, आर इकोनॉमी, आर सिक्योरिटी, आवर वैल्यूज, ऑल वर गॉन, गॉन विद द विंड। तबाह, बर्बाद कर दिया गया। एंड हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उसके लिए बाहर की ताकतें, आलमी ताकतें तो रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर मच ऑफ द ब्लेम रेस्ट विथ 11 ईयर्स ऑफ ज़ियाज़ रिजीम। ज़ियाउलहक की हुकूमत थी 11 साल की, जिसने पाकिस्तान के पुरअमन खत्ते को बैनुल अक़वामी मफादात के लिए क्लाशनिकोव और मंशियात के एक गुर्दाब में, एक दलदल में दबा दिया, गर्क कर दिया। अफगानिस्तान को समझने के लिए हम जो समझते हैं कि अफगानिस्तान कोई पश्तून मामला है, सारा पश्तून मामला नहीं है। पश्तून कितने हैं? 4 करोड़ की आबादी में कोई 40-42% पश्तून है, लोगों को पता नहीं है। 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख पश्तून हैं। 2 करोड़ 10-20 लाख दूसरे लोग हैं। 27% ताजिक हैं। 10%, 9-10% के करीब उज़्बेक हैं। 9-10% हज़ारा हैं। 4-5% तुर्कमेन हैं। 2% तो मालिक साहब को पता होगा बलोच हैं, एबक्स हैं, दूसरे हैं। उस टकराव वाली रियासत को आर्जी तौर पर वेस्टर्न ताकतों ने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके छोड़ दिया, जैसे वो हमेशा करते हैं। जैसे आपको कहा गया था कि बहरी बेड़ा आ रहा है, आप लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में घेरा था और बताया गया कि बहरी बेड़ा आ रहा है, करीब पहुंचने वाला है, बहरी बेड़ा आ रहा है, आखिर तक नहीं आया, फॉल ऑफ ढाका हो गया। तो यह बताया गया है कि अफगानिस्तान के लोग, वो मुनीर नियाजी ने कहा है ना, उसका तर्जमा है, पंजाबी में शहर है, उसका ट्रांसलेशन भी बड़ा कमाल का है कि कुछ यूं भी राहें मुश्किल थीं और कुछ गले में गम का तौक भी था, और कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें मौत का शौक भी था। तो शहर के लोग भी जालिम थे मगर हमें भी मौत का शौक है, तो हमने अपना किरदार अदा किया, पैसे आए। हार्ट परसूट 2001 में, ईदर यू आर, मेहताब साहब ने कोट किया, ईदर यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस, और हम पीछा करेंगे, और हमने साथ उठा लिए, हमने कहा भाई ला ताल्लुक है हम। वो अफगान बात नहीं भूले, जो लोग ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। मैं काफ़ी ट्रेवल करता हूं, मुझे बैरून मुल्क कोई एक अफगान ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखता हो। वो सब कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, वक्त आएगा फिर देखेंगे,
आपने हमें बुरी तरह से इस्तेमाल किया। हालांकि इस्तेमाल वो खुद हुए, हालांकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे। अफगानिस्तान अर्बनाइज हो नहीं पाया, इसमें हमारा क्या कसूर है? 4 करोड़ आबादी बहुत ज्यादा आबादी है, 4 करोड़ आबादी बलूचिस्तान के सूबे से ज्यादा आबादी है, 4 करोड़ आबादी आधे सिंध जितनी आबादी है। उस 4 करोड़ आबादी में शहर बड़े में बड़ा काबुल है 30 लाख का, शहर ही नहीं है, 2-2.5 लाख के शहर अर्बन सेंटर्स हैं ही नहीं। हेरात, कुंदूज, जलालाबाद, मजार शरीफ, बल्ख, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे, गजनी 2-2.5 लाख, बाकी सारे पहाड़ हैं, बाकी सारे रेगिस्तान हैं, उनमें बसने वाले लोग हैं, वहाँ ना स्कूल है। दाऊद के ज़माने में कुछ कोशिशें हुई, कुछ डॉक्टर नजीबुल्ला के ज़माने में कोशिशें हुई, उसको फिर तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब पाकिस्तान पे बोझ डाला जा रहा है अफगानियों का। भाई अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तो दूसरे ममालिक भी हैं, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है और चाइना है। उनमें से कोई नहीं है अफगान आबादकारों को लेने के लिए। गुज़िश्ता 3 डिकेड्स में 40 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में आ चुके हैं, 4 मिलियन। और इंतहाई बदनसीबी हमारे अफगान भाइयों की कि उनके 30 से 40 लाख लोग मारे जा चुके हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में 30 से 40 लाख अफगान मारे गए, जख्मी हुए, माजूर हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। हमें उनसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, प्यार है, अखुवत है, मगर अखुवत अपनी कास्ट पे तो नहीं हो सकती ना, मोहब्बत अपनी कास्ट पे तो नहीं हो सकती, अपने लोगों को मरवा कर प्यार का इजहार तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है अपने लोगों को मरवा के प्यार का इजहार करना, तो पाकिस्तान के दूसरे सूबे भी कर लेना यह तजुर्बा। अपने आप को तबाह बर्बाद करके दूसरों के लिए रास्ते बिछाने की ख्वाहिश है तो हमारे दूसरे भाई भी मुकाबला कर ले हमसे, पंजाब मुकाबला कर ले हमसे, केपी के मुकाबला कर ले हमसे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान भाइयों से भी उतना ही प्यार होना चाहिए जितने दूसरे अपने हमवतन लोगों से, दूसरे आम इंसानों से। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क तो सऊदी अरब है, जो फाइनेंस भी करता है, यूएई है, कतर है, बहरेन है, जॉर्डन है, लिबिया है, इराक है, शाम है, वो क्यों नहीं आबाद करते? सारे अफगानी भिजवा दिए जाते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब कुर्बानी दे इतना। सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है और सऊदी अरब में बड़ी रेगिस्तान है, वीरान है, पैसों का भी इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा तेल बेपनाह है, कर दें आबाद वहां पे। बातें कतर ने की हैं, मीडिएट कतर ने किया है, नेगोशिएशंस कतर में हुई हैं, वो आबाद करें। उन्होंने तो कैंपें बनाई हुई हैं, आपने देखा है पता नहीं, कैंप्स बनी हुई हैं, 5-7 वॉशरूम है, हजारों लोग बैठे हुए हैं कतर की कैंपों में, अफगान भाई हमारे। यहां पाकिस्तान में क्या होता है? आप कहें कि यहां पे भी कैंप है, बात कर देंगे मगर उस पर अमल नहीं होगा। यहां कैंप बनेगी तो कैंप के बाहर जो पहरा देने वाला बंदा होगा वो भी अफगानी होगा, वो उनके साथ नेगोशिएट करके उसको कह देगा चले जाओ आगे कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, वो आके यहां बैठ जाएंगे, वो आके आपकी शाहराहों पर बैठ जाएंगे। मैं मुखातिब हूं इमरान खान साहब से, खान साहब सिंधी में कहते हैं मामा जे घर मेजमान मुखे लहरन को लोडू, मामू के घर मेहमान है मेरे को कोई परेशानी और बेचैनी नहीं है। तो ये सिंध मामू का घर नहीं है जिसमें आप जिसको चाहे कह देंगे भाई आ जाएं, आ जाएं तो आप आके सब यहां भेज देते हैं। और मुझे अफसोस है हमारी कराची की कुछ पॉलिटिकल पार्टी से कोई DC देख लेते हैं, कोई SDM देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये अंदरूनी सिंध से आया, अंदरूनी सिंध से आया, पकड़ लो पकड़ लो, अंदरूनी सिंध से बंदा आ गया। अंदरूनी सिंध को जर्मनी में है, फ्रांस में है, अंदरूनी सिंध इस्तांबुल के बराबर में है, वहां से बेचारा आ गए बैरूनी सिंध में। भाई ये सिंध है पूरा, कराची तख्तगाह है, हम और आप सब बाशद हैं, उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले सब सन्स ऑफ सॉइल हैं, सबका ये वतन है। जो भी यहां परमानेंट रेजिडेंट हैं सिंध के वो सब भाई हैं, सिर्फ सिंधी और उर्दू बोलने वाले नहीं, जो डिकेड से आबाद यहां बलोच हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, स्ट्राइकी हैं, 50s और 40s और अर्ली 60s के आबाद रहने वाले तमाम लोग हमारे भाई हैं और वो सन्स ऑफ सॉइल हैं, वो सिंध का और पाकिस्तान हमारा वतन है।
सबका, हम सबका है, मगर कोई जैकबाबाद से डीसी आ जाए तो 50 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फला शख्स आ गया, और ये जोक दर जोक इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और वो हथियारबंद हैं और वो मिलिटेंट हैं और उनमें से कुछ लोग मंशात फरोश हैं, उनसे में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका किया, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने लाहौर में धमाके किए, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने सेवन में धमाके किए और शिकारपुर में धमाके किए, उनके लिए कोई कराची से एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोलते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ लोग जहां यहां मौजूद नहीं है वो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मगर इस बात पे बोलते नहीं है। शायद उनको पर्ची मिली हुई है कि इस पे नहीं बोलना, पर्ची पे चलते ना, पर्ची मिली हुई है उस पे क्या इस मौजू पे बात नहीं करनी, इसलिए वो नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, खामोश। भाई लाड़काना और जैकबाबाद और नंगरपुर पार्कर से मजदूर आता है, वो चाय आके बेचता है, वो सब्जी बेचता है, वो सिक्योरिटी गार्ड बनता है, वो क्लर्क बनता है, वो पटे वाला बनता है, वो अपनी छोटा सा कोई परचून का दुकान खोलता है, वो मंशात बेचने नहीं आता, वो क्लाशनिकोव बेचने नहीं आता, वो 50 लोगों का घोल लेकर किसी और के इलाके पे हमला करने नहीं आता, उसके पीछे 50 लोगों के जरगे नहीं होते कि एक जगह लड़ाई हो जाए और 1000 लोग उसकी मदद के लिए हथियार लेके, जदीद हथियार लेके पहुंच जाए। वो खतरा नहीं है, खतरा वो है जिसके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। और दूसरी बात कि अफगान इशू, अफगान इशू, अफगान इशू, इस अफगान इशू पे वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लेती, पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं फैसला साजी की गई और सिंध के लोगों को क्यों शरीक नहीं किया गया, सिंध के लोगों से मशावरत क्यों नहीं की वफाकी हुकूमत ने, सेनेट का अजलास क्यों नहीं बुलाया गया, कौमी असेंबली का अजलास क्यों नहीं हुआ। आप सबको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, आप सबके इल्म है, और मगर हम, हमें यह समझना चाहिए जब हम कहते हैं कि इंडिया में इंतहा पसंदी है, जब हम कहते हैं कि इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, हमें है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को है। जब एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, नस्ल परस्ती बढ़ेगी, मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को ही होगा। इसी तरह पाकिस्तान में जब आप एक्सट्रीमिज्म बढ़ाएंगे, पाकिस्तान में जब माइनॉरिटीज को इनसिक्योर करेंगे, पाकिस्तान में जब खवातीन इनसिक्योर होंगी, पाकिस्तान में जब बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स होंगे, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान को होगा। इन चीजों पे हमारी पार्लियामेंट क्यों बात नहीं करती, सिंध हुकूमत कहां है, सिंध असेंबली ने कोई इजलास बुलाया है कि अफगान आ रहे हैं उस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, सिंध हुकूमत ने कोई हिदायत जारी की है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, कहां है? सिंध असेंबली में मौजूद तमाम लोग, पीपल्स पार्टी के हों, एमक्यूएम के हों, जीडीए के हों, पीटीआई के हों, जमा इस्लामी के हों, उनमें से कोई क्यों नहीं लाता कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में? और वजीर आला और उनका कैबिनेट कहां है? मेरे पास आए थे पीपल्स पार्टी के दोस्त कुछ दिन पहले, मैंने उनको कहा कि आप एसएसपीज और डीसीज को हिदायत जारी कर सकते हैं कि आपके अजला में इलीगल इमिग्रेंट्स आए तो पकड़ के वापस भेज दें जिन कैंप्स में वो आबाद हैं। उन्होंने कहा हम देखते हैं इस बात को, मगर हुआ कुछ नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब को कहा था, क्योंकि आप लोग वफाकी हुकूमत के और सिंध हुकूमत की एजेंडा पर नहीं है, आप और हम सब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत की एजेंडा पर नहीं है, वो लाताल्लुक हैं, उनका वास्ता नहीं है, आप एक ऐसा ठेला है जिससे कबाब लेना है, खा के प्लेट वहां पे छोड़ के चले जाना है, आपको फकत इस्तेमाल करना है सिंध के वसाइल को, सिंध के लोगों को, सिंध के इख्तियारात को इस्तेमाल करना है। इस सूरत हाल में मैं ये वाज़े अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि अफगानी, फिर दोहराता हूं, हम नस्ल परस्त नहीं है, मगर हमारा इस्लाम दूसरों से मुख्तलिफ इस्लाम है। हम समझते हैं हमारा इस्लाम वो इस्लाम है जो इस्लाम की हकीकी रूह है, लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन। हमारा इस्लाम दूसरों को वाजिबुल कत्ल ठहराने वाला इस्लाम नहीं है। वला तस्बुल लजीन यदून मिन दून अल्लाह, तुम उनके खुदाओं को बुरा न कहो कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ न कह दें। हमारा बर्दाश्त वाला इस्लाम है, हमारा इस्लाम है कि हम किसी बच्ची को अपने चचा के साथ बाजार में जाते हुए देखकर उस बच्ची को 500 लोगों के दरमियान उसको बांध के जमीन पे उसको पत्थरों से संसार करने वाले को इंसान नहीं समझते, इंसान दुश्मन समझते हैं।
तो ये रिवायत हम यहाँ आने देंगे क्या? सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू स्पीकिंग की ये रिवायत नहीं है। शाह लतीफ़ और शेख अयाज की, गालिब की, मीर तकी मीर की, अमीर खुसरो की, सचल सरमस्त की, शेख अयाज की, उस्ताद बुखारी की ये रिवायत नहीं है। ये बर्दाश्त की, ये मोहब्बत की, ये यगानगी की, ये टॉलरेंस की, ये हम आहंगी की ज़मीन है। उसको ऐसा रखने के लिए मैं इस्तदा कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कि हम लोगों को दीवार से न लगाएं। सिंध के लोगों से आपने वसाइल छीन लिए, सिंध के लोगों को 12,000 लोगों को अभी नौकरियों से निकाल दिया, नौकरियों से बर्खास्त हैं। अभी जो टीचर्स के इंटरव्यू हैं उसमें हज़ारों लोग बेचारे दरख्वास्त लेके घूम रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो गई है। सिंध के लोगों के तमाम, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया गया, उस पर ताला लगा हुआ है। सिंध के यूथ के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं, उनके लिए बाकी रास्ता है कि कहीं ठेला लगा के बेचारे आधा पाव बिरयानी बेचकर गुजारा करें, उसमें आप ले आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आप यानी सिंध को तबाह बर्बाद, जो भी ये करना चाह रहे हैं, जो भी सिंध में डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये तमाम मुसीबतें हम पर नाजिल करना चाह रहा है, वो सिंध का दुश्मन तो है ही है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान से दुश्मनी बंद करें। शुक्रिया। शुक्रिया साईं। अयाज लतीफ पलीजो साहब, हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि सिंध जे हिन मुल्क जे हिन धरती जे ॿिए सियासतकार जेको हाणे हिन वतन सां, हिन धरती सां, इन वचन करण जे हवाले सां अॻिते वधे थो ऐं चए थो त हिते सियासत जेका आहे सा नसुल परस्ती जी न हलंदी, ॿोलियुनि जी न हलंदी, हिते सियासत यूनिटी जी हलंदी, यूनिटी की सियासत चलेगी। तुम्हें गुज़ारिश कर रहा हूँ पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि वो आएँ और अपने ख्याल कर जाए। जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अगर नाज़रीन हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।